लेकिन अगर आसान काम कर लिया जाए तो फिर जिंदगी कैसी। जब से चलना सीखा है हर पल ही दौड़ रहा हूँ। बोले सच में इतने क्यूट हो क्या? लेकिन हमारे समाज के निर्माण के लिए जितना बेटियां जरूरी हैं उतना बेटे भी जरूरी हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कमाल के हैं आप लोग। दुनिया में मैंने ऐसी ऑडियंस नहीं देखी, 24 घंटे से यहाँ बैठी हुई है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। और हिंदी कविता के लिए आदमी 24 घंटे क्या, कई पूरा जीवन बैठ सकता है। हिंदी कविता की ताकत इतनी बड़ी है। अकेला देश है दुनिया में जहाँ 50,000 लोग, 1,00,000 लोग कविताएं सुनने के लिए आते हैं। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, मैं हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर तब से हूँ जब मैं 10 बरस का था। 10-11 बरस की उम्र से लेकर आज तक मैंने लाखों लोगों को देखा इस तरह से पढ़ते हुए। एक जमाने में कवि सम्मेलन हुआ करते थे, सूरज यूँ उगा करता था सामने, सूरज की किरण मंच तक पहुंचती थी तब तक कविताएं पढ़ी जाती थी। ये देश है जहां कविताओं के लिए इतना प्यार है, और जब कविताओं के लिए इतना प्यार हो तो किसी ना किसी को तो ये पहल करनी होगी। और शिमारू टीवी ने ये पहल की कि हम हर रोज आपको कविताएं सुनाएंगे, हर रोज। आप कैसे आसान समझते हैं? नहीं, हर रोज नए लोग लाना, उन्हें कविताएं सुनवाना और नई नई प्रतिभाओं को ढूंढ के लाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आसान काम कर लिया जाए तो फिर जिंदगी कैसी। हम वो मुश्किल काम करते हैं और इसलिए करते हैं कि आपके जीवन में जो सबसे मुश्किल है हंसना, हम वो आपको दे सकें, आपके चेहरों पर तबस्सुम ला सकें। और इसमें हम ईश्वर की कृपा से कामयाब हैं। आप हमें देख के मुस्कुराते हैं और हमें देख के कहते हैं वाह भाई वाह। तो ये हेलो प्रेजेंट वाह भाई वाह जो एपिसोड खास हमारा, ये जो कुंवारा स्पेशल है जो कल से चल रहा है और आज भी जारी रहेगा। हमारे साथ हैं कुशल कुशवाहा, उत्कर्ष उत्तम, नूर चश्म रिंकू और चेतन चर्चित। और इन चारों ने कमाल किया है और आगे भी कमाल करते रहेंगे। जब पहली बार जब वाह भाई वाह के मंच पे आए थे तब मैं जानता हूँ थोड़ी सी घबराहट थी, थोड़ा सा जिसे कहते हैं नर्वसनेस कॉन्शियसनेस थी। लेकिन आज इनका जो आत्मविश्वास है वो अद्भुत है। और कुशल का आत्मविश्वास तो ऐसा है, जब काव्य पाठ करने के बाद जब सारे लोग खड़े हो गए तो कुशल ने जिस तरह से इनका अभिवादन किया, मुझे लगा कि ये बड़ा ही वरिष्ठ कवि है। तो ये चेहरे पे भाव लाना आसान नहीं होता कुशल, बड़ा मुश्किल होता है। जीवन में मुश्किल काम होते हैं लेकिन क्या करे, बेचारा आदमी परेशान हो जाता है। इन कुंवारों की जिंदगी में तो दिक्कत है ही। एक लड़का एक कागज लिए हुए बार बार चूम रहा था, तो किसी ने आके पूछा क्या है? लव लेटर है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, आजकल बातचीत बंद है। कोई कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन ये जो चारों हैं इनको जीवन में एक उद्देश्य मिल गया है। इनका उद्देश्य है कविताएं करना और कविताएं करके लोगों के हृदय तक पहुंचना, और ये चारों इसमें कामयाब है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आप चारों। नूर, आपने कविता लिखना शुरू किया? सर सबसे पहले तो मैं एक गांव से आती हूं जी, और हमारा गांव बहुत छोटा है, शायद वहां लड़कियों को पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता जी। और मैं वहां ऐसे माहौल में पली बड़ी हूं कि भावुकता जो कवि से जुड़ी होती है वो भावुकता मेरे अंदर अपने आप आ गई, और मैं कब कविता करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। उत्कर्ष, तुमने क्यों शुरू किया कविता लिखना? मेरे पिताजी कवि हैं। अरे वाह जी, क्या बात है, क्या नाम है उनका? मिस्टर उत्तम सोनी सागर। उत्तम सोनी साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। तो मैं पापा के साथ जाता था कवि सम्मेलन में और इधर उधर गोष्ठियों में भी जाता था, तो मुझे लिखने की आदत हो गई। और सर सुनते सुनते कवि बन गए। कुशल सर, मैंने 11वीं क्लास में मैं अनुत्तीर्ण हुआ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, हिंदी कविता से कोई ज़्यादा संबंध नहीं था, लेकिन आप जैसे लोगों को सुनने के बाद मुझे लगा। और 11वीं में जब मैं अनुत्तीर्ण हुआ तो फिर मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, सुनाइए। क्या हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता, अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता, हमारे फेल होने में तुम्हारा हाथ है जाना, अगर तुम पास में होती तो मैं भी पास हो जाता। वहीं से सिलसिला शुरू हो गया सर। चेतन,
सर मैं स्कूल के समय में थिएटर किया करता था, तो अपने लिखे जो नाटक थे वो प्ले भी करता था और खुद भी किया करता था। ऐसे ही एक लोकल का ऐसा ही ऑडिशन था, वहाँ मैंने मिमिक्री कॉमेडी और ऐसा जोक सुनाए, तो मुझे कहा गया कि कवि सम्मेलन में चलोगे। मुझे नहीं पता था सर, इससे पहले नियति मुझे कवि सम्मेलन में लेकर के आई, और फिर ज़रूरत हो गई, घर की ज़रूरत है शायद, आज कवि सम्मेलन ही पूरी कर रही है। मैंने तभी लिखा था सर, पहली चार पंक्तियां ये थी मेरी के राजपतों से राजमहल तक पगडंडी जोड़ रहा हूं मैं, कतरा कतरा बूंद बूंद कर नदियां मोड़ रहा हूं मैं, जीवन में संघर्ष लिखा जो उसको पूर्ण निभाऊंगा, जब से चलना सीखा है हर पल ही दौड़ रहा हूं मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये है आज की युवा पीढ़ी का ये गंभीर रूप जो आपने देखा। ये सिर्फ मजाइया बात नहीं करते या तंजिया बात नहीं करते, इनके भीतर भी एक दिल है। हमारे एक बड़े प्रसिद्ध कवि कहते हैं, ये हंसाने वाले लोग अंदर से जो है ना बड़े दर्द समेटे होते हैं। वो कहते हैं कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा, आंख से कंठ तक भरा होगा। वो जो भीतर भरा होता है ना, वही ये बात कह सकता है। और भरा से मुझे याद आया पहला कवि जो बहुत भरा है और भरा पूरा है, बुला रहे हैं उत्तर सत्तम को जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत आभार सर। अरे उत्कर्ष यार, मुझे पता चला कि तुम बाबा वाह का एपिसोड करके गए, उसके बाद तुम्हारे पास लड़कियों के फोन आए। सर बहुत सारे कॉल आए। बहुत सारे? जी सर। अच्छा, और नाम बताया कहाँ से कर रही है, ये भी बताया? जी नहीं सर, ये नहीं बताया, बस कॉल आए, बोले सच में इतने क्यूट हो क्या। तो तुमने क्या जवाब दिया फिर? हमने कहा मैं क्यूट हूँ या नहीं ये नहीं पता, पर सब कोई झूठ बोल सकता, पर सैलेस्टर झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, तो मैंने एपिसोड में कहा था कि तुम क्यूट हो। जी सर। अच्छा, तुमने मेरा नाम लगा दिया आगे। पर मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आया पूछने के लिए कि ये क्यूट है क्या। अच्छा चलो टेस्ट करके देखते हैं तुम सचमुच क्यूट हो क्या। किसी को बुलाते हैं कि तुम्हें नजदीक से आके देखे बस ये क्यूट है क्या, किसे बुलाया जाए। अगर मैं पूछूंगा कौन आना चाहता है तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। चलो दो को बुला लेते हैं, एक इधर से एक इधर से, है ना। तुम आओ। वो जो आखिर में बैठी हो तुम आओ। क्या नाम है आपका? निशी बारोट। निशी बारोट। yes, हाँ निशी जी, ये है क्यूट सर। अभी उन्होंने मुझे जस्ट बोला, जैसे कि आप माइक लेने गए ना वहाँ पे, हाँ। तो बोले प्लीज हाँ हाँ ही बोलना। आपका क्या नाम है? दीपाली तिवारी। दीपाली तिवारी, क्या है ये क्यूट है? बहुत अच्छे भाई, ये तो जीत गया। जोरदार तालियां निशी और दीपाली के। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार सर। सिमारो टीवी और वाह भाई वाह के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। इन्हीं दो को कर आज तो तू। सर आज दिन बन गया, दिन बन गया ना? आज आपने ऐसा आनंद दिला दिया। हाँ। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और आप सबसे जुड़ता हूँ। हाँ। कि बिगड़ी हो कोई धुन तो बिगड़ी साज सी लगी, बिगड़ी हो कोई धुन तो बिगड़ी साज सी लगी, थोड़ी लगी जीएसटी थोड़ी ब्याज सी लगी, बोड़ी लगी जीएसटी थोड़ी ब्याज सी लगी, कल प्रेमिका को मिलने पार्क की तरफ गया, कल प्रेमिका को मिलने पार्क की तरफ गया, मुँह फूला मिला मुझको वो नाराज सी लगी। बहुत अच्छे। और सर आगे हुआ क्या? कि नखरे नए नए मुझे दिखला रही है वो, नखरे नए नए मुझे दिखला रही है वो, ना जाने किस
बात पे इठला रही है वो, ना जाने किस बात पे इठला रही है वो, मेरे वजन को देख करके टेंशन में है, मेरे वजन को देख करके टेंशन में है, दे दे के कसम रोड पे भगा रही है वो। पर सुन लड़की, स्वाभिमान सर जीना चाहिए। करता हूँ मैं बवाल पर बवाली नहीं हूँ, करता हूँ मैं बवाल पर बवाली नहीं हूँ, सबकी जुबां पे आऊं कोई गाली नहीं हूँ, बनना तो मैं भी चाहता सलमान खान सा, बनना तो मैं भी चाहता सलमान खान सा, मेहनत करूँ मैं जिम्मे इतना खाली नहीं हूँ। सबके बात होता क्या है कि मेरी नहीं नीति कि खिलाऊं न खाऊंगा, मेरी नहीं नीति कि खिलाऊं न खाऊंगा, और ना ही रोज रोज विदेशों को जाऊंगा, तूने दिया धोखा तो कोई बात नहीं जा, तूने जिसने कहा था कि मैंने बोला है और इसने कहा क्यूट हुए, तूने दिया धोखा। अच्छा, तो इन दोनों को क्या रहो? जी सर, बहुत तेज हो बेटा। तूने दिया धोखा तो कोई बात नहीं जा, वादा है मेरा तेरी सहेली बताऊंगा। क्या पिताजी का नाम? सागर साहब का क्या नाम है? श्री उत्तम सोनी सागर। श्री उत्तम सोनी साहब, देखें आपके चिराग को क्या रोशनी कर रहा है। वादा है मेरा तेरी सहेली पटाऊंगा। और सर, सबके घर में एक दिक्कत होती है। अभी आपने पिताजी की बात की, मैं पिताजी की बात करता हूँ कि मन की जमी पे बीज को बोने तो दीजिए। सारे लड़कों की प्रॉब्लम, मन की जमी पे बीज को बोने तो दीजिए, यादों की फसल खेत में होने तो दीजिए, कैसे करोगे सपने पूरे पापा पूछते, कैसे करोगे सपने पूरे पापा पूछते, तब मैंने कहा देर तक सोने तो दीजिए। क्या बात है उत्कर्ष उत्तम, सबसे अच्छी बात यह तुम कोशिश कर रहे हो। ये जो कोशिश है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि तुमने दीजिए में नुक्ता लगा के उसको दीजिए क्यों किया, है ना, या टेंशन को टेंशन क्यों किया। हमारी आंचलिक भाषा में हो सकता है हमारा उच्चारण इतने साफ न हो सकता है तुम्हारी जो बनावट है कविता की वो इतनी परिपक्व न हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम लिख रहे हो, तुम रच रहे हो। आज की पीढ़ी जिसके लिए ये कहा जाता है उसके रातों रात उसे हाथ में महंगे फोन चाहिए, महंगी से महंगी कार चाहिए, उसे मेहनत नहीं करनी, लेकिन हमेशा वो सारी चीज़ें चाहिए जो बस उसे सबसे अलग दिखाए, जिसमें सब कुछ जिंदा रह जाता है, रचनात्मकता समाप्त हो जाती है। लेकिन तुम रच रहे हो, ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रिएटिविटी, रचनात्मक बनिए। रचनात्मक बनने के लिए किसी मकान का निर्माण करना ही आवश्यक नहीं है। आप एक कागज़ लीजिए, उसका जहाज बना लीजिए, आप कलम उठाइए, एक पेपर पे कोई चिड़िया उकेर दीजिए, आप कोई चित्र बनाइए, कहानी लिखिए, कविता लिखिए, और कुछ रच ना सकते हैं तो मोहल्ले के किसी बच्चे को पढ़ाइए ताकि वो अपने जीवन में कुछ रच सके। इस रचनात्मक कर्म को जिंदा रखिए। जब तक रचना रहेगी तब तक ये संसार रहेगा, और संसार जब तक रहेगी तब तक रचना रहेगी। जो कमाल कर रहे हैं इन दिनों और देश के फलक पर छाने के लिए तैयार हैं, और मैं खुद इतना इसमें इनको मिलके बड़ा खुश हो जाता हूँ कि खुशी खुशी में मैं नूर शम्स रिंकी का नाम नूर चश्म रिंकू कह गया। हो जाता है कई बार जुबान इधर उधर हो जाती है तो मैं इसे ठीक कर देता हूं। नूर शम्स रिंकी, जो प्रयागराज के पास एक गांव है कपूरी बढ़िया, वहां से आती हैं, एक छोटा सा गांव, वहां से आती हैं, हिंदी साहित्य पढ़ती हैं और कमाल लिखती हैं। हम स्वागत करते हैं नूर शम्स। एक बार फिर से मैं शिमारू टीवी और आदरणीय शैले सर के तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया अपनी कविताएं, अपनी गीत सुनाने के लिए। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो वैसे लड़कियों पे लिखती हूँ, बेटियों पर लिखती हूँ, लेकिन हमारे समाज के निर्माण के लिए जितना बेटियाँ ज़रूरी हैं उतना बेटे भी ज़रूरी हैं। क्या बात, तीनों ताली बजाओ। क्या है और यहाँ पर मौजूद सभी लड़के
और हमारे पास तीन लड़के पहले से ही मौजूद हैं, उन सभी की ओर से आपको गीत का ये टुकड़ा आपके हवाले करती हूं। सुनाओ नूर, सुनाओ। दुश्मन के दुश्मन है दिल वालों के दिल वाले हैं, दुश्मन के दुश्मन है दिल वालों के दिल वाले हैं, मेरे देश के लड़के, हाँ मेरे देश के लड़के बस थोड़े भोले भाले हैं, मेरे देश के लड़के बस थोड़े भोले भाले हैं। गीत का पहला बंद आप तमाम नौजवानों के हवाले। बिन मौसम घन घोर घटा के जैसे बादल हो जाते हैं, बिन मौसम घन घोर घटा के जैसे बादल हो जाते हैं, बिन मौसम घन घोर घटा के जैसे बादल हो जाते हैं, एक नजर भर देख ले कोई पल में पागल हो जाते हैं, एक नजर भर देख ले कोई पल में पागल हो जाते हैं, अपनी धुन में मस्त मगन ये, अपनी धुन में मस्त मगन ये जोगी है मतवाले हैं, मेरे देश के लड़के बस थोड़े भोले भाले हैं, मेरे देश के लड़के बस थोड़े भोले भाले हैं। कैसे? हर पन मौला झगड़ालू ये जिद्दी है मालूम नहीं क्या, हर पन मौला झगड़ालू ये जिद्दी है मालूम नहीं क्या, गुस्सा टेढ़ा तेवर ऊंचा पर दिल है मासूम नहीं क्या, पर दिल है मासूम थोड़े भोले भाले हैं, देश की खातिर जान भी देंगे खुद को मिट्टी कर डालेंगे, देश की खातिर जान भी देंगे खुद को मिट्टी कर डालेंगे, अगर बात माँ बाप की आई ऐसी तैसी कर डालेंगे, अगर बात माँ बाप की आई ऐसी तैसी कर डालेंगे, इरशाद। पिता बने जब फर्ज अदा की, पिता बने जब फर्ज अदा की, भाई रक्षा दूत बना है, पिता बने जब फर्ज अदा की, भाई रक्षा दूत बना है, साथी बनकर पति मिला है, बेटा पूत सबूत बना है, साथी बनकर पति मिला है, बेटा रूप अनूप बना है, बेटा रूप अनूप बना, आला है किरदार सभी के, आला है किरदार सभी के, हम सब किस्मत वाले हैं, मेरे देश के लड़के बस थोड़े भोले भाले हैं, मेरे देश के लड़के बस थोड़े भोले भाले हैं। क्या बात है नूर,
के युवा पीढ़ी के लोग जब अच्छा करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। कितना मजे से तुमने पढ़ा, और सबसे बड़ी बात लौकी हो के लड़कों के हवाले से बात कही और बहुत अच्छे ढंग से कही। ये तीनों भी बड़े प्रसन्न होकर उसे सुन रहे थे, जनता भी प्रसन्न हो रही थी, लेकिन एक चेहरा में ध्यान से देख रहा था, उस चेहरे में प्रसन्नता के अलावा थोड़ा सा गर्व का भाव भी था। मैं जरा उनसे बात करना चाहता हूँ। जरा माइक दीजिए साहब को जो हरा शर्ट पहन के बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम सर। इस्लाम साहब जी सर, मैं देख रहा था बाकी सब लोग तो हमारे ऑडियंस बड़ा आनंद ले रही थी जी सर, आपके चेहरे पे आनंद के अलावा एक सुकून का भाव था, एक थोड़ा सा गुरूर तो नहीं करूंगा जी सर, लेकिन एक गर्व का एक भाव था, अनुभूति थी सर। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जी, यहाँ आने का जो मौका मिला है ये हम एक सपना जैसा देख रहे हैं। अच्छा, ये हमें नहीं एहसास हो रहा है कि मैं रियल में आया हूँ कि सपने में आया हूँ, और बड़ी खुशी की बात है जो इस मंच ने हमको मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम साहब जी सर कि आप यहाँ तक आए। तो आप क्या नूर के साथ हैं? जी जी। अच्छा, नूर आपके? हमारी छोटी बहन है। क्या बात है, तो आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए इस्लाम भाई कि आपकी छोटी बहन इतना अच्छा कर रही है और इतना अच्छा पढ़ रही है। तो आप भी कुछ लिखते पढ़ते हैं? जी सर। अरे वाह, शेर कहते हैं आप जी, तो जरा सुना दीजिए एक दो शेर हमें आप। होश में जब पिया तो खता हो गई। अच्छा, होश में जब पिया तो खता हो गई, और बेखुदी में पिया तो अता हो गई। चूम करके लबों ने, चूम करके लबों ने लबों से कहा, प्यास मुद्दत की अब तो अदा हो गई। वाह वाह, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम साहब, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद इस्लाम ने भी कहा कि उनके लिए सपने जैसा है कि वो यहाँ तक आए। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं खुद छोटे गाँव में पला पड़ा और उस जमाने में पला पड़ा हूँ जब गांव में अखबार भी नहीं आता था और कुछ नहीं होता था हमारे पास, लेकिन ऐसा कुछ था जो किसी के पास नहीं था, वो थी इस कविता की ताकत जो माँ शारदा ने, माँ सरस्वती ने मुझे दी और हमारे जैसे तमाम रचनाकारों को दी। आप छोटी जगह से आए और आपके सपने पूरे हो, और आपके सपने पूरे करने में अगर शेमारू टीवी और वाह भाई वाह सहायक बन सके तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या होगा। आप बस हमारे लिए दुआएं करते रहिए कि हम इसी तरह से नई प्रतिभाओं को बुलाते रहें, उन्हें आपके सामने लाते रहें, और सारा देश और दुनिया उनके लिए कहती रहे वाह भाई वाह।